very good morning my dear students of class 9th in this video we are going to read chapter 7th of your english book that's name is the world is too much with us written by william wordsworth my dear students this is a wonderful poem that expresses importance of nature in our life and it एक्सप्रेस दैट हाउ फार वी आर फ्राम द नेचर इस आइए पहले इस पोएम के बारे में कुछ जान लेते हैं हिंदी में तो ये पोएम 1820 में विलियम वर्सवर्थ ने लिखी हुई थी द वर्ल्ड इज टू मच विथर्स जिसका मतलब होता है कुदरत ने हमारा बहुत साथ दिया या प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है। हुआ ये पोए द वर्ल्ड इज टू मच विथ ऐस नेचर को डेडिकेटेड है नेचर को समर्पित है जो कि ये बताती है कि जो कुदरत है उसका हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है तो ये जो पोएम है ये 1820 में लिखी गई है और इसमें पोएट ये साफ़ तौर पर लोगों के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कितने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो दिनों दिन नेचर से दूर भागते जा रहे हैं हम नेचर को इम्पॉर्टेंस देने के बजाय हमारी लाइफ में जो वस्तुएं हैं जगह हैं इन सारी चीज़ों को हम इम्पॉर्टेंस देने लगे हैं नेचर जिसने हमें इतना कुछ दिया है उसकी तरफ हम एक बार पलट कर देखते भी नहीं हैं एक बार पलट कर सोचते भी नहीं ये पोएम एटीन ट्वेंटी में लिखी गई है और आप समझ सकते हैं कि 1820 में जो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या थिंकिंग रही होगी कि वो नेचर को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न थे एंड आज के समय पर अगर वो होते और जिस तरह से आजकल आज के टाइम पर जो एक मटेरियलिज़्म का जो एक दौर चल रहा है इस दौर को देख कर वो निश्चित तौर पर ये वो कविताएं लिखना बंद कर देते ये पोएम एक सोनेट पोएम है सोनेट मीन्स होता है अ पोएम ऑफ फोर्टीन लाइंस। तो इस पोएम में 14 लाइंस की ये पोएम है और, और इस पोएम की स्टार्टिंग एट लाइंस में पोएट ने वी यानी कि हमको संबोधित किया है ख़ुद को भी और समाज के लोगों को भी कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन के तौर पर उसने वी का यूज़ किया हुआ है इसके अलावा इसके बाद जो सिक्स लाइंस हैं उस सिक्स लाइंस में पोइट ने आई का यूज़ किया हुआ है और उस आई को यूज़ करके वो बताना चाहता है कि वो आखिर ये वो नेचर को लेकर इतना कंसर्न क्यों है वो नेचर के बारे में आखिर क्यों लिख रहा है ये पोएम मटेरियलिज़्म का जो एक फ़िलोसफी होती है लोगों की उसको ये खत्म करने की सलाह देती है सो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रीड अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन अप्रैल सेवन सेवनटीन सेवनटी इन ककर माउथ कंबरलैंड इंग्लैंड वर्ट्सवर्थ्स मदर डाइट व्हेन ही वाज सेवन एंड ही वाज एन ऑर्फन एट थर्टीन तो ये एक बहुत ट्रेजडी उनके साथ में हुई थी कि उनकी मदर जब वो सेवन इयर्स के थे तब पासड डबे हो गई गुजर गईं और थर्टीन इयर्स की एज में उनके फादर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए जिसके बाद वो पूरी तरह से एन ऑर्फन मतलब एक अनाथ बच्चे हो गए डिस्पाइट दीज लॉसेस ही डिड वेल एट हॉक सिड ग्रामर स्कूल इन सभी लॉस के बाद में भी अपने परिवार के लोगों को खो देने के बाद में भी उन्होंने हॉक सेड ग्रामर इस्कूल में बहुत अच्छा किया वेअ ही रोट हिज फर्स्ट पोएट्री जहाँ पर उन्होंने अपनी पहली कविता की रचना की लिखी एंड वेंट ऑन टू स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए आगे गए सो यह इम्पॉर्टेंट थिंग्स बर्थ डेट अप्रैल सेवन सेवनटीन सेवेंटी डेथ डेट अप्रैल ट्वेंटी थर्ड एटीन फिफ्टी और जो उनकी एजुकेशन हुई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी यूनिक पोएम दैट इज़ द वर्ल्ड इज टू मच विथ हस वर्ल्ड इज टू मच विथ हस लेट एंड सोन गेटिंग एंड स्पेंडिंग पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स सो माई डर स्टूडेंट्स पहली लाइन में पोइट कह रहा है द वर्ल्ड इज टू मच विथ हस जो ये दुनिया है उसने हमें बहुत कुछ दिया है ये जो दुनिया है वो हमें बहुत कुछ देती आ रही है दुनिया से मतलब है यहाँ पर प्रकृति नेचर लेट एंड सून और कभी न कभी हमें इस बात का एहसास जरूर होगा और लेट एंड सून का मतलब होता है देर सवेर गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स और हमें जो ताकतें मिली हुई हैं एक मनुष्य होने के बाद जो ताकतें हमें दी गई हैं उन सभी ताकतों का उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ कमाने और खाने में ही बर्बाद कर देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट कहना चाहता है कि मतलब जिस तरह से हम चीज़ों के एडिक्टेड हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंफर्ट आइटम्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स और ये जो कुदरत है प्रकृति है उसकी तरफ हम थोड़ा सा देखते भी नहीं लिटिल और देखते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा मतलब दैट इज़ ours यानी कि जो कुदरत है उसने हमें बहुत कुछ दिया है हमारे लिए ही पूरी तरह से समर्पित है इसके बावजूद भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और बहुत कम ही देखते हैं अब लिटिल वी का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मॉर्निंग का ही टाइम ले लीजिए तो एवरी शुड गो फॉर वॉक फॉर मॉर्निंग वॉक लेकिन आज के टाइम पर कितने लोग जाते होंगे कितने परसेंटेज लोग जाते होंगे इसीलिए पोइट ने यहाँ पे लिटिल का यूज़ किया है और ये पोएम 1820 में लिखी गई है लेकिन अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं उसके हिसाब से तो ये पोएम एग्जैक्ट और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुकी है वी हैव गिवेन आर हर्ट्स अवे अ सॉर्डिड बोन और हम कमाने खाने और कुदरत की तरफ ध्यान देने के बजाय चीज़ों की तरफ मटेरियल्स की तरफ हम इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमने अपना दिल ही निकाल के बाहर रख दिया है मतलब कुदरत से हमारा कोई प्रकृति से हमारा कोई लगाव ही नहीं बचा हुआ है असॉर्डिड बून एंड माई डियर स्टूडेंट्स असॉर्डिड बून हैज़ बीन यूज हीज़ इन ऑग्जीमोर इन फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आई वुड टीच यू इन फ्यूचर सो असॉर्डिड मीन्स होता है अनप्लीजेंट एंड बून मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना दिस सी दैट दैट बेयर्स हर बोसम टू द द मून विंड्स विल बी हॉलिंग एट ऑल एंड गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून सो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहते हैं कि जो समुन्दर है वो चांद को लगातार अपना सीना दिखा रहा है जो हवाएं हैं वो लगातार गुर्राने के बाद में यहाँ वहाँ चलने के बाद में एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं मतलब कि एक जगह पर इकट्ठी होकर वो शांत हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि हम सभी आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं मतलब कि एक जो जीवन का एक जो संगीत होता है वो हमारे जीवन में रहा ही नहीं है इट मूव्स अस नॉट मतलब कि चीज़ों की बार्गेनिंग यानी कि चीज़ों की, की, की सौदेबाजी करने में पैसों के लेन देन में ही हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारा जो जीवन है वो आउट ऑफ ट्यून हो गया है मतलब कि जीवन में किसी प्रकार की कोई धुन कोई संगीत बचा ही नहीं है यहाँ पर जो पगन वर्ड का यूज़ किया गया है पगन वर्ड मतलब ऐसे लोग जो कि नेचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं कोई अट्रैक्शन नहीं रखते हैं तो उनको पोइट इंडिकेट करना चाहता है कि ऐसा पर्सन जो कि नेचर के लिए कोई लव नहीं रखता है वो रिलीजन के अगेंस्ट है तो पोइट का इस लाइन से ये कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे समाज में नहीं आ, मतलब बड़ा होना चाहता जहाँ पर लोग ग्रीक ग्रीक माइथोलॉजिकल यानी कि जो वहाँ की मान्यताएं हैं भगवान के प्रति जिसको वो लोग असत्य साबित करते हों और वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ रही हो और वही चीज़ें लेकर वो बड़ा हो तो पोएट ऐसा नहीं चाहता है सो so, यहाँ पर पोइट इस पगन वर्ड का यूज़ करके ये बताना चाहता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो कि अपने आदर्शों पे नहीं है और जीवन में हमेशा कमी महसूस करना हमेशा असंतुष्ट रहना ये हमारा एक स्वाभाविक स्वभाव बन चुका है हैविंग और हमने अपनी जो योग्यताएं हैं चीज़ों को गहराई से देखने की वो हमने जिन चीज़ों को देना चाहिए अध्यात्म में कुदरत में उनको उनकी बजाय हम इन जो कंफर्ट की चीज़ें हैं हमारे आसपास में हम उनको दे रहे हैं तो माई टाई तो मीन समझ लीजिए आई माइट सो माई टाई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली और मैं ऐसा इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस जो ये घास का जो रास्ता है जो जाता है इस रास्ते पर मैं खड़ा हो सकूँ हैव गिल्प दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉर्न और मैं उन सभी नज़ारों की एक उन सभी दृश्यों की एक झलक भी पा सकूँ जो कि मुझे कम दुखी करें हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्राम द सी और ताकि मैं समंदर का देवता जो प्रोटियस है उसको भी मैं समुंदर से बाहर निकलते हुए देख सकूं और हियर ओल्ड ट्रिटोन ब्लू हिस्स विथ हॉर्न और यहाँ पर जो ट्रिटोन है तो आप कह सकते हैं कि ये जो त्रिदेव होते हैं हमारे हिंदू धर्म में उसी तरह से तो मैं उन त्रिदेव जो हैं उनको मैं हॉर्न बजा एंड आई एम शेयरिंग इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक लर्न इट्स वर्ड पावर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो